गुप्तेश्वर पांडे जी, पूर्व डीजीपी बिहार के इस वक्त सीधा लाइव आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन अब डीजीपी के आगे पूर्व लगाना पड़ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि गुप्तेश्वर जी अब क्या करने वाले हैं। जो मामला पटना में एक FIR के साथ शुरू हुआ था और आपका VRS लेना, किस तरह के संकेत है गुप्तेश्वर जी? अंजना, मेरे VRS को तुम, आप सभी मीडिया के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं, लोग यही बात पूछते हैं। मेरे VRS को तो मैंने कल फेसबुक लाइव किया था, अगर किसी को समय है तो उसको पूरा सुन ले तो उसको माजरा समझ आएगा। मेरे VRS को सुशांत के केस से जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं DGP था, DGP की जो ड्यूटी थी वो मैंने किया, क्योंकि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में बनता था, मैंने केस कर दिया। इसमें क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या अनकंस्टिट्यूशनल किया, अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि जो किया वो सही था। मैंने टीम भेज दी थी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसको जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, केस नहीं देखने दिया गया, कोई साक्ष्य नहीं दिए गए, वो भी मैंने जो टीम भेजी वो भी क्या गलत किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहा कि वो गलत किया। मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS ऑफिसर को भेज दिया, किस तरह मध्य रात्रि में जाकर चोर की तरह उसको ठप्पा लगाकर क्वारंटीन किया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा है, उस स्टोरी को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन था, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर एंड ही इज नॉट अवेलेबल, हम DGP से बात करना चाहते हैं, वो नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, कोई SMS का जवाब नहीं दे रहा। मैं SES Home को कह रहा हूँ कि आप अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात करिए, वहाँ के SES Home हमारे SES Home का फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन चैनल को ब्रेक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और मेरा लड़का वहाँ पर क्वारंटीन है, उसको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, 4 और हमारे लोग फंसे हुए हैं, तो पैनिकी तो होगी, मेरे पर नैतिक दबाव था, मेरे फोर्स का दबाव था, मैंने हंगामा शुरू किया उसके बाद मुंबई पुलिस के खिलाफ, जो आप कर रहे हैं अनइथिकल है, अनप्रोफेशनल है, गलत है, नहीं करिए, और हंगामा शुरू किया। दूसरे दिन उन्होंने छोड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया पहली बार, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नहीं देंगे आपको, आपको राइट नहीं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप भागिए, आपको हम नहीं अनुसंधान करने देंगे, हम आपको नहीं कोई डॉक्यूमेंट देंगे, कोई एविडेंस नहीं देंगे। अब मेरे पास रास्ता क्या बचा, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए, हम तो गए नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि केस जो किया वो सही था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी सही था, CBI को रिफर कर दिया गया वो भी सही था, तो अब तो उस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अब इसका लाभ किसको मिला, इससे नुकसान कौन हो रहा है, वो अलग विषय है, उस पर डिबेट अलग विषय है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को VRS लेने की जरूरत पड़ गई, SSR केस से इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हों जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहे तो जा सकते हैं और चुनाव जीत कर, वो बहुत छोटी चीज है ये चुनाव, तो गुप्तेश्वर पांडे जी थोड़ी चुनाव से और मेरे VRS से केस को वो लोग जोड़ दे। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं अगले बिहार के गृह मंत्री से तो नहीं बात कर रही हूँ, बुद्धि के लोग हैं, बिहार के गृह मंत्री से तो नहीं बात कर रही हूँ, अगले बिहार के गृह मंत्री। देखिए ये अंजना तुम अंजना जो बोल रही हो ये महाराष्ट्र से किसी ने बोला था, जिब्बे था उनका, व्यंग था उनका, लेकिन किसके किस्मत में क्या है कौन जानता है अंजना। मैं तो गरीब का बेटा हूँ, आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी, मेरा बाप अनपढ़ था, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मैं पहला आदमी 4 पीढ़ियों में हूँ जो स्कूल गया, वो भी 7 साल की उम्र के बाद, और बोरा झोरा उठा करके गांव के झोपड़ी के स्कूल में पढ़ करके और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ DGP तक। किसके किस्मत में कौन जानता है, कोई जब मैं पैदा हुआ कोई जानता था इस गाँव से कोई लड़का जाएगा और जाकर के बिहार का प्रदेश का DGP बन जाएगा और उसको पूरा देश एक दिन जानेगा? मैं तो ऐसे ही गांव में रहता था, डिबरी में, डिबरी समझती हो आप बिहार की हो तो डिबरी आप जानती हो कि वो खाली बोतल में किरासन डाल करके और कागज कपड़े की बत्ती जला करके और माचिस से लगा करके मेरी माँ देती थी तो रात में पढ़ता था, वही पढ़ाई करके मैं निकला, कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और उतने हमारे घर में कोई कलेक्टर कमिश्नर जज मास्टर तो कोई नहीं है, गरीब का बेटा हूं और संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं, मेरा कोई गॉडफादर तो नहीं है,
तो मैं यहां तक जब पहुंचा हूं तो मेरे अंदर लड़ने का मादा है, किसी को ट्रोल करने से, गाली देने से, जीभे फेंकने से मैं डरने वाला, हताश होने वाला थोड़े हूं। मैंने सुशांत के लिए लड़ी, मैं इमोशनल हूं सुशांत के बारे में, क्योंकि बिहार का बेटा था मैं, उसके बाप की आंखों में आंसू देखता हूं, 74 साल के आदमी, बूढ़े, बीमार, लाचार, जिसका सब कुछ लूट गया, तो मेरा रोम रोम तड़पने लगता है। मैं उसने भी जितने गया और उसके बाप की हालत देखी थी, तो आपको विश्वास है कहना भी अच्छा नहीं लगता है, जितना उसके पिता रो रहे थे उससे ज्यादा मैं रो रहा था। उस समय मैंने परमवीर सिंह को फोन लगाया, बताओ क्या हुआ। परमवीर सिंह फोन नहीं उठाया, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने आकर के FIR करवा दिया, FIR करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर लिया, उसको जोड़ रहे हो मेरे VRS से, मेरे को इतना विवादित बना दिया गया, रोज ही रूमर हो रहा है अंजना, आज इस्तीफा दे देंगे, कल इस्तीफा दे देंगे, कल चुनाव लड़ जाएंगे, परसों चुनाव लड़ जाएंगे, 1000 लोग रोज फोन करते हैं, 1000 मैसेज आता है, यहाँ पोर्टल पर कोई चला दिया एक महीना पहले कि इस्तीफा दे चुके। अब इस तरह के माहौल में सोचो, इलेक्शन कमीशन आ रहा है, हमारा परसेप्शन इस तरह से अगर बन जाएगा कि मैं खुद ही राजनीति करना चाहता हूं, खुद ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसमें हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जो हमको नहीं पसंद करते हैं वो इलेक्शन कमीशन को पिटीशन देंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि DGP साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहादुर हैं ये, लेकिन ये विवाद में आ गए हैं, निष्पक्ष आदमी को रख करके हम चुनाव कराएंगे, और इलेक्शन कमीशन अगर आदेश करता है DGP को हटा दीजिए, मेरी कितनी बेइज्जती होती है आप बताओ। जो 34 साल बेदाग रहा, जिसमें गांव से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक का किसी पॉलिटिकल दल का किसी भी व्यक्ति ने मेरी निष्पक्षता पर, मेरी ईमानदारी पर आज तक आवाज नहीं उठाया, और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि इलेक्शन आते आते मैं इतने विवाद में आ जाऊं कि भारत के निर्वाचन आयोग को मुझे हटाना पड़े। मैं साजिश से समझ गया, ये साजिश समझ गया कि मुझे अपमानित करके हटाने की कोशिश हो रही है, और मैं अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। गरीब का बेटा जरूर हूं लेकिन मेरे पास स्वाभिमान बहुत है, मैं उस अपमान को झेल नहीं सकता था कि मुझे दागी समझ करके और मुझे पक्षपात करने वाला पदाधिकारी समझ करके भारत का निर्वाचन आयोग मुझे चुनाव से निकाल दे। इसलिए मैंने सोचा उसके पहले इज्जत से निकल जाना ठीक है, मैंने VRS ले लिया, और VRS जब ले लिया तो सवाल हो रहे हैं क्या पार्टी ज्वाइन कर लिएगा, क्या चुनाव लड़िएगा, तो उसका जवाब ये है कि पार्टी ज्वाइन कर लेना, चुनाव लड़ लेना, ये पाप है क्या, अनइथिकल है क्या, इलीगल है क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, जब चोर, क्रिमिनल, अपराधी, मवाली और तमाम तरह के घटिया लोग चुनाव लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं, हाउस में जाके बैठ भी जाते हैं, तो मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो केवल सेवा की है। तो अगर मेरे दिल में कहीं आ जाए ये बात और हमारे समर्थकों का दबाव बढ़ जाए और मैं चुनाव में जाने का निर्णय ले लूं, तो ये क्या इसमें इमोरल है, क्या इसमें अनइथिकल है, क्या इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इतना हंगामा क्यों मचता है इस पर। इसीलिए तो आज आप खुलकर बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात सेवा है ना? दी है, सेवा आज तक दी है, सेवा दी है, बिल्कुल हमको विवाद में डाल कर। हाँ, आज आपको पूरा देश देख रहा है, और इसीलिए आज तक पर आप जब जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज खुलकर, क्योंकि आप तो इमोशनल व्यक्ति है और खुल के अपने दिल से बात करते हैं। कल तक आप मुझे बार बार कहते थे बोलते हुए कि देखो मैंने वर्दी पहनी हुई है, इससे आगे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आज उस वर्दी का दबाव नहीं है, इसीलिए बात एकदम दो के दो हो, और जिस डिबरी की आप बात कर रहे हैं उसकी रोशनी से बड़े बड़े लोग डरते हैं। कई लोग थे जो आपके खिलाफ पहले भी बोलते रहे थे, अब देखिए शिवसेना की तरफ से जो सांसद है उनकी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने एक लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है तो साहस और सत्य पर लड़िए, इस गुप्त तरीके से किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से अपने कैंपेन की शुरुआत करना दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जवाब होगा गुप्तेश्वर पांडे जी का, क्योंकि गुप्तेश्वर जी आप दहाड़ कर बोलते हैं ऐसे। मैं उनको बता देता हूं कि मेरे कैंपेन में देखिए वो, मैं क्या जवाब दूं ऐसे लोगों का, जादू, उन लोगों की चूलें हिली हुई हैं उन लोगों की, उनके अंदर दहशत का माहौल है, आज बॉलीवुड हिल रहा है, आज रिया जी जेल गई जो इमोशनल वीडियो बना करके भेजती थी, सत्यमेव जयते तो अब हो रहा है, तो जब सत्यमेव जयते हो रहा है तो छटपटाहट है, बेचैनी है, अरे गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कर दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया, अरे 14 जून को सुशांत की मौत होती है, 21 जून तक तो मामला दफन हो जाता है मुंबई के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी प्रिंट मीडिया में, और देश के किसी अखबार में 21 जून के बाद है क्या कोई सुशांत का समाचार, कहां से गड़ा मुर्दा इसने उखाड़ दिया, ये कौन है गुप्तेश्वर, नालायक, पापी, ये कौन है बिहार का DGP,
जिसने इस गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया, एफआईआर कर दिया, टीम भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन करने लगा, हम लोगों ने क्वारंटीन किया तो इतना हंगामा मचा दिया कि मुंबई पुलिस की इज्जत कट गई, और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री को अपना अनुशंसा भेज करके सीबीआई को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट उसके पक्ष में दे दिया। ये अकेला आदमी पूरा तबाह कर दिया, शिवसेना तबाह, उनके अंदर तो आग लगी है, बेचैनी लगी है। मैं तो सोचता हूँ मैं उधर आऊं तो मुझे वो मेरा गला काट देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं तो समझता हूँ मेरे लाइफ पर खतरा है उनके अंदर जितना जहर दिखता है। सुशांत के केस से मेरे को गुप्तेश्वर पांडे बिहार के किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ करके चुनाव अकेले इंडिपेंडेंट जीत सकता है, आकर के सर्वे कराए मैडम, इंडिपेंडेंट किसी भी विधानसभा से बिहार के। ये गुप्तेश्वर पांडे की ताकत नहीं है, यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है उसकी ताकत है। शोषितों का, दलितों का, वंचितों का जूता उठाने वाला हूं गुप्तेश्वर पांडे। अपने घर में, अपने आंगन में एक दलित की बेटी को हमने, हमारी पत्नी ने कन्यादान दिया है, ब्राह्मण हूं मैं। आजादी के बाद एक उदाहरण बताओ आजादी के बाद कि बिहार में किसी कुलीन ब्राह्मण के आंगन में किसी महादलित की बेटी का कन्यादान हुआ हो और वो गुप्तेश्वर पांडे ने और उनकी पत्नी ने मिलकर के दिया। उसने हमको कोई राजनीति करनी थी? मैं मुसहर के खोभारी में जाकर के खटिया बिछा करके सो जाता हूं उसके सुअर लोगों के साथ, क्या चुनाव जितना चुनाव लड़ना था? 54,000 मैंने स्वयं सेवक मतलब वॉलंटियर बनाए जो समाज के लिए लड़े और अपराध नियंत्रण में सहयोग करें, क्राइम कंट्रोल में सहयोग करें। औरंगाबाद में, औरंगाबाद से चुनाव लड़ना था मुझको। 900 गांव में बेगूसराय में मैंने नौजवानों का संगठन बनाया, 40 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार करके गिराया। पूरा देश सुन रहा है, आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। मेरे में नैतिक बल नहीं होगा तो मैं इतनी बहादुरी से और इतना बोल्डनेस से अपनी बात नहीं रख सकता हूं। जो बोलता हूं उसका क्रॉस चेक करो। शांति के लिए संघर्ष करो का नारा दिया, 40 लोग मारे गए मुठभेड़ में, कुख्यात अपराधी बेगूसराय में। बेगूसराय में मुझे चुनाव लड़ना था क्या? चतरा में गंजू भुइया दलित समाज के लोग जो महुआ खा करके साल में 3 महीने अपना गुजारते थे, मैं उनकी झुग्गी झोपड़ियों में रात रात भर दिन दिन भर घूमता रहता था, उनके आंसू पूछता रखता था। और गरीबी क्या होती है सही में वहां जाकर के मैंने सीखा, वो अपने घर से नहीं सीखा। घर में तो रोटी दाल तो मिल ही जाती थी, लेकिन वहां जाकर के देखा कि ऐसे भी लोग हैं जो साल में 3 महीना महुआ उबाल करके खाते हैं। तो चतरा में मुझे राजनीति करनी थी, वहां से पॉलिटिक्स करनी थी क्या? मुजफ्फरपुर में मेरा गांव गांव में संगठन है, मैं आज चाहूं तो अकेले अपने दम पर बिना किसी पार्टी के और बिना कोई पार्टी जिले 1,00,000 नौजवानों को मैं 24 घंटा के अंदर पटना में बुला सकता हूं। एक आह्वान पर वो सातु बांध करके पैदल दौड़ते हुए चले आएंगे। ये कमाई है मेरे 34 साल की। मैं जहां जाता हूं वहां क्या आप यहां से चुनाव लड़ेंगे क्या? आप यहां अभी देखो सीतामढ़ी से आंदोलन चल रहा है कि आप यहां चुनाव लड़िए, बेगूसराय से आप यहां चुनाव लड़िए, मुजफ्फरपुर से आप यहां चुनाव लड़िए, शाहपुर से आप यहां चुनाव लड़िए, बक्सर से आप यहां चुनाव लड़िए, शिवहर से यहां, कहां कहां चुनाव लड़ूंगा मैं? अरे इतनी समझदार होनी चाहिए। वो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं जो हमें नहीं जानते हैं और जो ये नहीं जानते हैं कि बिहार के अंजना मैंने अभी तय नहीं किया है कि मुझे चुनाव में जाना है कि नहीं, और जाना होगा तो मैं चोर की तरह थोड़ी जाऊंगा, दहाड़ते हुए जाऊंगा, दुनिया को बताते हुए जाऊंगा। अभी तो राजनीति ज्वाइन नहीं किया है, मैं अपने लोगों से बात करूंगा, जिस दिन होगा उस दिन शेर की तरह अनाउंस करूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि अब मैं राजनीति में आया, इस पार्टी से आया, इस दल से आया, यहां से चुनाव लड़ूंगा। अभी तो हमारे पास 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑफर्स हैं, 14। तो ये कोई बात नहीं है, राजनीति में जाना कोई चोरी का काम नहीं है जी। 14 विधानसभा के लोग हम पर लगातार दबाव बनाए हुए कि आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भी गिना सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पर लौटेंगे सर, मैं लौटूंगी। एक सेकंड, अगर जाना होगा तो तय करना होगा और जल्दी करूंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं इस पर लौटूंगा। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी करिएगा और जरूर बताइएगा। और इसी तरह से आज तक के जरिए पूरे देश तक आपकी बात पहुंचेगी, क्योंकि आपने हमेशा आज तक पर साफगोई के साथ बात की। अब जरा एक एक करके चलते हैं सर, जरा मुंबई पुलिस पर बात करते हैं।
क्योंकि आपने हमेशा कहा था कि वर्दी और टोपी है, मैं एक दायरे में रहकर ही बात कर सकता हूं। आज जब ये ड्रग्स का रैकेट, क्योंकि मैं अभी आऊंगी बिहार इलेक्शन पर, कास्ट इक्वेशन पर, सब पर आऊंगी सर, पहले ये मुंबई पुलिस की जरा बात हो जाए। अब ये ड्रग्स रैकेट खुल रहा है, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स एनसीबी के रडार पर है, व्हाट्सएप चैट रोज आ रहा है, माल है क्या, क्या इन सब पर ढक्कन लगाने के लिए ही पूरे मामले को दबाया जा रहा था? सवाल सीधा पूछ रही हूं आपसे गुप्तेश्वर जी। जवाब सीधा दे रहा हूं मैं अंजना, कि क्या मुंबई पुलिस को पता नहीं था कि ड्रग का रैकेट चलता है बॉलीवुड में और वो आज से चल रहा है? और मैं ये पूछता हूं, क्या यह सच नहीं है? मुंबई पुलिस को जवाब देना चाहिए, क्या यह सच नहीं है कि इतना बड़ा ड्रग रैकेट बिना पुलिस के, एक्टिव कोनाइवेंस के नहीं चल सकता? क्या यह सच नहीं है? मुंबई पुलिस ने क्या किया आज तक इस ड्रग रैकेट को तोड़ने के लिए? यह 2500 साल से चल रहा है, कोई नया नहीं है। किस ड्रग सिंडिकेट को के मेंबर को पकड़ा? क्या मुंबई पुलिस के पास आज तक एक सूची भी है, एक लिस्ट भी बना करके रखा है, जो हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, एक सूची भी बनाकर रखा है कि कौन कौन वहां के बड़े लोग हैं जिनका ड्रग पेडलर के साथ या ड्रग का रैकेटियर के साथ करेगा सर संबंध है? उस रैकेट पर कौन हाथ रखेगा? देश की संसद में रवि किशन ने कहा, गुप्तेश्वर जी, देश की संसद में रवि किशन ने उठाया है पूरा मामला। नवनीत राणा है अमरावती से सांसद, वो कह रही हैं नेताओं के बच्चों से लेकर अधिकारियों के बच्चों से लेकर पूर्व पुलिस अधिकारियों के बच्चों तक सब रैकेट में शामिल हैं, अलग अलग पार्टी के कॉरपोरेटर्स से लेकर पॉलिटिशियंस सबके बारे में कह रही है जांच होनी चाहिए। क्या पूरा सच सामने आएगा? और क्या आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस के कनाइवन से ये रैकेट, ये सिंडिकेट चलता है? सही कह रही हैं वो अंजना, वो सही कह रही हैं, मैं उसको इंडोर्स करता हूं। रवि किशन ने जो कहा वो सही बोल रहा है, मैं उसको इंडोर्स करता हूं। और मैं इन दोनों नेताओं को सलाम करता हूं कि इतनी साफगोई के साथ और इतनी हिम्मत के साथ कोई बोला है तो वो स्वागत योग्य है। और यही एक सवाल है, और बिना राज्य सरकार के एक्टिव कॉपरेशन के, बिना मुंबई पुलिस के एक्टिव कॉपरेशन, एनसीबी कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही, बहुत लोगों की गर्दन तक वो पहुंचेगी भी, लेकिन अगर मुंबई पुलिस का एक्टिव सहयोग नहीं मिलेगा तो जिन बड़ी बड़ी मछलियों की बात हम कर रहे हैं उन बड़ी बड़ी मछलियों तक पहुंचने में एनसीबी को भी व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। इसमें बहुत तरह के लोग हैं, जिसकी बात आपने की है उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। और अगर ठीक से यह ऑपरेशन किया जाए, और ड्रग की बात एक और सुन लो अंजना, ड्रग का अपराध से बहुत तगड़ा रिलेशन है, बहुत घनिष्ठ रिलेशन है। ड्रग के नशे में बड़े बड़े अपराध होते हैं, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, बहुत तरह के अनैतिक आचरण होते हैं। और ये ड्रग माफिए ऐसे वैसे छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, इनको कंट्रोल करने वाले लोग दुबई में बैठते हैं, बाहर बैठते हैं। तो जहां ड्रग का मामला आया वहां आर्म्स का मामला भी है, प्राइवेटेड बोर के जो हथियार होते हैं आर्म्स का मामला भी है, और ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत सीरियस बात है। लेकिन और सर, आज सर, गुप्तेश्वर जी, गया है सर, तो कितनी बेचैनी वहां है बॉलीवुड सर, एक काउंटर सवाल कर रही हूं, में भी बेचैनी है, बॉलीवुड में भी बेचैनी है। एक सवाल कर रही हूँ, देखिए ये जितने भी लोग हैं अब यही कह रहे हैं कि ये चारों ओर बेचैनी है, और ये बेचैनी इसलिए है, ये मारिजुआना ये तो बहुत कॉमन चीज है, इस पे छोटी छोटी चीजों पे आप लोग, ये बवंडर बनाया जा रहा है, ये विच हंट हो रहा है, गांजा हैश इस तरह की चीजों पर, ये तो केमिकल ड्रग्स नहीं है, इनको लेकर इतना बवाल क्यों रचा जा रहा है, इस पर क्या जवाब होगा? बड, गांजा, हैश, ये तो सारे नाम, सीबीडी ऑयल, ये सब कौन सी बड़ी चीज हो गई जो आप लोग इतना बवंडर कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है गुप्तेश्वर जी? आपको पता नहीं है अंजना कि जिस दिन ये केस एनसीबी, जिस दिन पिक्चर में, आप क्या समझते हैं ये ड्रग लेने वाले को, ड्रग पेडलर्स को, ड्रग रैकेटियर्स को, ड्रग के सिंडिकेट के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? ये बड़े होशियार लोग हैं और उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। एनसीबी को मामला जाने के दिन से आप अनुसंधान कर लिया, उस दिन से अलर्ट हो गए ये लोग, इनको मौका मिला, आज भी मौका है, उसमें सहयोग कौन कर रहा है उनको बचने में, बचाने में, उनके सामान को छुपाने में, ये भी अनुसंधान का विषय होना चाहिए।
और निकलेगा, इसी से निकलेगा। अब उनको मालूम है कि तलवार हमारी गर्दन पर लटक गई है, इसमें बड़े बड़े खुलासे होंगे और बड़े बड़े बड़ी बड़ी रिकवरीज भी होंगी। धीरज रखना चाहिए, ये बहुत ही शातिर लोग हैं जो डट के धंधे में हैं, और उनमें समय लगेगा लेकिन एक एक लोग उसमें बेनकाब होंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि 50 बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं जो रडार पर हैं एनसीबी के। ये बताता है कि किस तरह से ये सिंडिकेट हावी हो गया है। दो स्टार सर अक्षरा सिंह, भोजपुरी भी वो एक्टिंग करती हैं। अक्षरा सिंह, बीते दिन हर्षिता कश्यप, दो मेरे साथ एक्टर्स थे, दोनों ने मुझे लाइव शो में बताया कि सेट्स पर कोजी सर्कल्स बने होते हैं जो कोनों में अलग अलग जगहों पर ड्रग्स कर रहे होते हैं। ठीक बताया अक्षरा ने, अक्षरा से मेरी भी बात हुई थी, वो बिहार की बेटी है, वो बताती है मुंबई में क्या होता है। और उसे आप बात करिए, अगर सच में दिल खोल करके आपको बताए तो उसको बहुत जानकारी है किस किस तरह से लोग करते हैं। लेकिन वही हिम्मत होनी चाहिए, ये छोटे छोटे कलाकार हैं, बिहार के कलाकार हैं, ये तो ऐसे ही मुंबई में डरे हुए हैं, लेकिन ऐसे माहौल में अगर रवि किशन ने ये आवाज उठाई है तो मैं उसको सलाम करता हूँ, मेरा फुल सपोर्ट है। और ड्रग के माफियों के खिलाफ इस जंग में अब ये निवर्तमान गुप्तेश्वर पांडे खुल करके उतरने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ, और उसके बाद लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है उसको आप देखना अंजना। ये कौन बचा रहा था सर इस सिंडिकेट को, मुंबई के सिंडिकेट को अभी तक कौन बचा रहा था? कहीं भी जो सत्ता में लोग होते हैं, जो पावर में जो लोग होते हैं, वहां की पुलिस होती है, वहां के प्रशासन के लोग होते हैं, उनकी मर्जी के बिना, उनकी एक्टिव सहमति के बिना, कॉपरेशन के बिना, इतने लंबे समय से इतना बड़ा ड्रग का रैकेट कैसे चलेगा अंजना? इतना 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 बड़ा भोला सवाल है ये, कैसे चलेगा? अगर पटने शहर में ड्रग का रैकेट 25 साल 50 साल से चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, स्मूथली अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं से हमारा प्रोटेक्शन जरूरी है। बिना हमारे प्रोटेक्शन के, बिना सत्ता के प्रोटेक्शन के, कहीं कहीं ये चल नहीं सकता इतने लंबे समय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई को ना जाए, बहुत पहले से जानती है महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड की सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई को ना जाए, क्या इससे जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? हम कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को क्यों परेशानी थी कि सीबीआई को ना जाए? और रिया जी जो बोलते हैं कि भारत के गृह मंत्री से ट्वीट करके बोलती है कि आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, आपने देखा होगा बिहार पुलिस जाती है, हम चिल्ला चिल्ला करके हाथ जोड़कर कहते हैं हमें भी आपसे कुछ पूछना है, आप आ जाइए, हम आपको पकड़ने तो आए नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं आती हैं। और मामला सुप्रीम कोर्ट में खुद ही लेकर के जाती हैं, उनकी उनका प्रेयर क्या है आप देखिए, बिहार पुलिस नहीं करे, सीबीआई नहीं करे, मुंबई पुलिस पर ही इतना भरोसा क्यों है भाई आपको? और वहां की जो सरकार है उनसे मैं अनुरोध करूंगा, सुशांत के मौत में हम जस्टिस ही ना चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते हैं किसी निर्दोष आदमी को जेल भेज दिया जाए, किसी निर्दोष आदमी को फांसी चढ़ा दी जाए, हमारी तो मांग यही है ना कि सुशांत की मौत का मामला निष्पक्ष ढंग से इसका अनुसंधान हो, सत्य उजागर हो, और इसमें दोषी लोग जो हैं उन दोषी लोगों को सजा हो। इसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां कोई मेरा दुश्मन नहीं है, रिया जी भी मेरी दुश्मन नहीं, वहां की सरकार को क्या परेशानी है, मान जाना चाहिए भाई, आप सीबीआई से करा लो चाहे एफबीआई से करा लो, किसी से करा लो, सरकार को इतना एग्रेसिवली उसमें फ्रंट पर आकर के लड़ने लगी, हम यहां बोल रहे हैं वहां के गृह मंत्री वहां से जवाब देने लगे, फिर संजय राउत जी जवाब देने लगे, इसकी क्या जरूरत थी? इतने बड़े बड़े लोगों को इस लड़ाई में उतरने की जरूरत क्या थी? पूरा देश का ध्यान चला गया, पूरे देश को लगने लगा कुछ ना कुछ इसमें गोलमाल है, इनको जरूरत नहीं थी। हम बोल रहे थे वहां से डीजीपी बोलते, वहां से पुलिस कमिश्नर बोलते, तो लोगों को लगने लगा कुछ बचाने कुछ छुपाने का मामला है, और लोगों को लगने लगा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर मुंबई पुलिस चुप है, नहीं बोल पा रही है, तो पूरा रहस्यमय मामला को हमने थोड़ी बनाया। मैं तो जो बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, मेरा कोई इल इंटेंशन नहीं था, इल इंटेंशन नहीं है, मैं किसी निर्दोष आदमी को जेल भेजने के
समर्थन में नहीं हूं, लेकिन सुशांत का केस खुलना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। और ड्रग रैकेट, आज जो रिया जेल जा रही है, 20 लोग जेल गए और 25 लोगों की सूची आ गई, ये लोग ड्रग रैकेट में, ये कैसे हुआ अंजना? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मैंने FIR कर दिया। FIR नहीं करता तो ये मामला कहीं आता? मैं दीपिका पादुकोण वाला भी सुन रहा था, तो वो सब कहां आता? तो मैंने FIR किया, वहां से तो मामला ये शुरू हुआ। लेकिन तो अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं, लोगों का ये कहना है कि बिहार पुलिस को भी जितनी जानकारी थी आपको अपने अफसरों ने कहा था, सब कुछ बताया था। देखिए सर, अब तो आपने VRS ले ही लिया है, कुछ हाथ लगा था क्या सुशांत के मामले में? कुछ ऐसा ठोस लगा था क्या हाथ में, जिसकी वजह से शक हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कुछ भी? क्या क्या लगा था? क्या इतना तो लग ही इतना? नहीं नहीं, देखो अंजना, देखो अंजना, हमको तो दिया नहीं ना, हमको मेडिको लीगल एविडेंस कुछ भी उन्होंने दिया नहीं, और ऐलान कर दिया कि नहीं देंगे। हमको PO भी कहाँ देखने दिया, हमको जो वहाँ का रिपोर्ट है, जो FSL की रिपोर्ट है कहाँ दिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ दिया, वहाँ का वीडियोग्राफी कहाँ दिया, वहाँ का फोटोग्राफी कहाँ दिया? कोई मेडिको लीगल एविडेंस दिया नहीं। स्टेटमेंट उन्होंने 40-45 लोगों के लिए थे, इंट्रोगेशन किया था, हमने कहा भाई स्टेटमेंट में क्या आपने सवाल पूछे, क्या उसका जवाब हुआ, उसको भी देख, कहाँ दिया? कुछ दे डिंट शेयर। हमारे लोगों को तो 4 दिन टाइम मिला ना, सिर्फ 4 दिन, तो 4 दिन में अपने सोर्स से घूम घूम करके जो सूचनाएं, जो साक्ष्य उन्होंने जुटाए, वो सारा चीज तो हमने डायरी में लिख करके CBI को हैंडओवर कर दिया। हमारा शक पुख्ता हो गया कि ये मामूली आत्महत्या का मामला नहीं है, ये मिस्टीरियस है, इसमें कुछ और बात जरूर है जिसको मुंबई पुलिस छुपा रही, उसी के पास में एग्रेसिव हो गया। हमको शेयर करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? हम भी प्रोफेशनल एजेंसी हैं, किसी देश की, इसी देश के एक प्रांत की हम पुलिस हैं, और हमारे यहाँ FIR हुआ है, तो हमको शेयर तो कर सकते हैं ना कि देखो भाई हम इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर रहे हैं, ये दे नहीं सकते, मत दो, अपने ही पास रखो। इसी पर तो सवाल खड़े कर रहे थे ना सर संजय राउत, उनका कहना था कि हमें बिहार पुलिस से, देखो वो सीधा बोलने लगे कि बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस को सीखना पड़े, ऐसा दिन नहीं आया है। वो तो सीधे प्रोफेशनलिज्म पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। तो प्रोफेशनलिज्म पर सवाल कर रहे थे तो दुनिया ने देख लिया ना कि आपके यहाँ एक मौत होती है और यहाँ से कोई DGP बिहार आपके पुलिस कमिश्नर से बात करना चाहता था, SMS करता है, वो जवाब नहीं देता है, यही प्रोफेशनलिज्म है, इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। यहाँ का DGP वहाँ के DGP से बात नहीं करना चाहता है, ये प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ का SAS होम वहाँ के SAS होम से बात करना चाहता है, बात नहीं होती, ये प्रोफेशनलिज्म है। अगर मुंबई पुलिस समझती है कि वो सुपरस्टार है और स्कॉटलैंड पुलिस से भी आगे है, तो अब दुनिया ने तो देखा ना कितनी छीछी हुई उनकी, कितनी थुथु हुई उनकी। लेकिन ड्रग्स का ये जो पूरा मामला है, ठीक है सर, ये जो ड्रग्स का पूरा मामला है सर, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि ठीक है ये अब तो निकल रहा है, ये बैंड्रा के पेडलर्स, 21-21 साल के लड़के, यहां से होता हुआ मामला फिल्म स्टार्स तक, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, सबको अब NCB पूछताछ के लिए बुला रही है, रिया जेल में है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये सब कुछ अभी बीते 10 महीने 1 साल में हुआ है, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की भी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो किसी एक सरकार को सिर्फ सवाल खड़े कर देने से तो नहीं होगा, सबने आंखें बंद रखी। मैं तो कह रहा हूं 25 साल मैं ये अंजना ये आप पॉलिटिकल आप एनालाइज करो, मैंने तो एक बार कहा कि आज से नहीं 25 साल से है, और हो सकता है कि उसके पहले से भी हो, और ड्रग के नशे में और ड्रग एडिक्ट जो होते हैं बहुत पाप होते हैं, और बहुत पाप ऐसे मुंबई में हुए होंगे जो छुप गए होंगे, बहुत ऐसी चीजें, बलात्कार, हत्या, बहुत तरह के अपराध ड्रग के हुए होंगे, मुंबई पुलिस को पता है, वहां की सरकार को पता है नहीं है सरकार जाने, लेकिन मुंबई पुलिस को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ड्रग का धंधा मुंबई में और हॉलीवुड में, बॉलीवुड में कब से चल रहा है। मुंबई पुलिस ने आज तक कुछ किया क्या? मुंबई पुलिस ने कोई सूची भी बनाई है कि कौन कौन बॉलीवुड का स्टार ड्रग एडिक्ट है और ड्रग लेता है, और ड्रग पेडलर की
कोई सूची उनके पास है क्या? वो सूची हुई बनी होगी, वो सीक्रेट रखी होगी, उस सूची पर उन्होंने क्या काम किया, कितनी बार छापामारी की, कितनी बार रिकवरी हुई, कितने लोगों को जेल भेजा, आप देखिए 10 साल का 20 साल का उनका आंकड़ा मांगिए, पता चल जाएगा। ये सब एक्टिव कनाइवेंस से होता है। लेकिन बोलेगा कौन सर? ठीक है, रैकेट ऐसे थोड़ी चलता है। बोलेगा कौन? बोलने वाली तो बात है ना, रवि किशन जी, रवि किशन ने जब बोला तो जया बच्चन जी ने देश की संसद में ही खड़े होकर कहा कि हाईएस्ट टैक्स पेयर्स वहां के हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, और ऐसे में जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। नाम नहीं लिया लेकिन वो रवि किशन और कंगना दोनों को कह रही थी। अब कौन थाली में छेद कर रहा है? क्या ये थाली में छेद करना है ड्रग्स की जांच? मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उनका बड़ा सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ड्रग पर और ड्रग एडिक्ट पर और ड्रग पेडलर पर और ड्रग के रैकेटियर्स पर कोई आवाज उठाता है तो थाली में छेद करना कैसे उसको कहेंगे? आप बताओ जना, कैसे कहेंगे? एक सच्चाई के लिए आवाज उठाया है कोई, या तो मुंबई पुलिस अपने यहां से एक जो हम कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में श्वेत पत्र जारी कर दे कि मुंबई में कोई ड्रग रैकेटियर काम नहीं करता, कोई ड्रग पेडलर नहीं है और कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है और मुंबई में कोई भी ड्रग का धंधा होता नहीं है। करे हिम्मत हो तो, और हिम्मत नहीं है तो एनसीबी जो कर रही है उसमें सहयोग करे। ड्रग का धंधा होता है, ड्रग का रैकेट है और उसके तार बाहर से भी जुड़े हैं, बड़े बड़े माफियाओं से जुड़े हैं और बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है। मुंबई पुलिस को तो दिस इज द राइट टाइम कि उनको हीरो बनना चाहिए, वहां के पुलिस कमिश्नर को आकर के बोलना चाहिए कि ड्रग का रैकेट है बॉलीवुड में और हम एनसीबी जो कर रही है उसका स्वागत करते हैं, हम एनसीबी के साथ मिल करके इस ड्रग रैकेट को ध्वस्त करेंगे। उसी दिन हीरो हो जाएंगे वो और मुंबई पुलिस की जय जयकार होने लगेगी। मुंबई पुलिस बोल कहां रही है? मुझे तो नहीं लगता इस तरह का मुंबई पुलिस ने कभी कोई स्टेटमेंट दिया। अब सर जरा बिहार की पॉलिटिक्स पर जरा आते हैं। नहीं, अभी नहीं गुप्तेश्वर जी, एक दो सवाल और बचा है। देखिए कहां आप जल्दी मिल पाते हैं, इसीलिए एक दो सवाल और बचा है सर। जरा बिहार की पॉलिटिक्स पर अब एक दो सवाल करते हैं बिहार पर। और देखिए आप तो खुलकर बोलते हैं, जब विकास दुबे कानपुर वाला भागा था, फरार था, तब आप वहां पर दहाड़ रहे थे और आपने तब भी कहा था कि ये कास्ट वाली पॉलिटिक्स और उसके कास्ट की वजह से कोई समर्थन करे क्रिमिनल्स का ये गलत है। तब कुछ लोग थे जो आप पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन आपने खुलकर बोला, लेकिन अगर आप राजनीति में कूदेंगे तो कास्ट इक्वेशन पर सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। गुप्तेश्वर जी तैयारी पूरी है इसके लिए? अंजना एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनो, गंभीर बात बोल रहा हूं। क्या कारण है बिहार के कंटेस्ट में भी सोच सकती हो और पूरे देश के कंटेस्ट में भी इसको देख सकती हो। क्या कारण है कि 1974 के जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान के आलोक में जो एक व्यापक सामाजिक जनाधार वाला आंदोलन उभरा, उस तरह का उसके बाद आज तक उतना व्यापक सामाजिक जनाधार वाला आंदोलन बिहार में खड़ा ही नहीं हुआ और मुझे जहां तक याद है बिहार से बाहर भी नहीं खड़ा हुआ। क्यों? सामाजिक व्यापक सामाजिक जनाधार का मतलब जिसमें जात का बंधन टूट गया हो, मजहब का बंधन टूट गया हो, हर जात के हर मजहब के लोग एक मन से आकर के व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक साथ खड़े होकर के आंदोलन में कूद पड़े हों। इस तरह के व्यापक जनाधार वाला कोई आंदोलन अगर 74 के बाद नहीं खड़ा हुआ तो इस पर विचार क्या है कि उसका कारण क्या है? सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है, सिविल सोसाइटी डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन, ऑन कम्युनल लाइन, ऑन पार्टी लाइन, सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है। यहां तो जात के नाम पर मुखिया अपनी जात का चाहिए, सरपंच अपनी जात का चाहिए, विधायक अपनी जात का चाहिए, मंत्री अपनी जात का चाहिए, मुख्यमंत्री अपनी जात का चाहिए, प्रधानमंत्री अपनी जात का चाहिए। अरे हजारों जातियां हैं, हजारों उपजातियां हैं इस देश में। अगर हर आदमी ऐसे सोचने लगे कि हर महत्वपूर्ण पद पर हमारी ही जात का आदमी बैठे तो ये देश कहां जाएगा, ये समाज कहां जाएगा? तो इसको आप कैसे बदल दीजिएगा? जापान की तरह बन पाएंगे? इसको कैसे बदल दीजिए? नागासाकी हिरोशिमा में 1942 में गुप्तेश्वर पांडे जी कैसे बदल देंगे दुनिया में? मैं जी कोई नहीं सोच सकता था कि जापान अपने पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन खड़ा हुआ। बदलेंगे हम ये सिविल सोसाइटी, यही तो मेरा पर्पस है।
राजनीति में जाऊंगा 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 अगर तो यही लेकर के मिशन जाऊंगा, अगर ये नहीं कर पाया तो मेरे राजनीति में जाने का मतलब क्या है। डिवाइडेड सिविल सोसाइटी को ट्रेंड करना है, लोक जागरण फैलाना है। ये लोक जागरण के माध्यम से कि आप इंसान को देखो, अच्छे आदमी को देखो, और ये लोक जागरण नहीं रहने के लिए सामाजिक चेतना में गिरावट आने के कारण भारी भारी अपराधी सक्रिय राजनीति घुस करके हाउस में चले जाते हैं, जिन पर चोरी के, हत्या के, बलात्कार के, अपहरण के बन 50 मुकदमे हैं। ऐसे लोग जात के नाम पर वोट लेकर के और हाउस में घुस जाते हैं और नेता बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है व्यक्ति का, जब समाज चेतना चेतना में गिरावट आएगी तो सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, सामूहिक चेतना में जब गिरावट आएगी तो राष्ट्र की सामूहिक चेतना में भी गिरावट आएगी। ये गिरावट दिख रही है। जनता को केवल जगाने की जरूरत है, जनता सब कर लेगी, जनता सब कर लेगी, जनता में अथाह शक्ति है, जनता को जगाने की जरूरत है। लेकिन ये काम करेंगे हम, जनता को जगाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्तेश्वर जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। और जहां पर शुरुआत हुई थी बात की, आपने खुद ही कह दिया कि राजनीति में आऊंगा और परिवर्तन मैं व्यवस्था में करना चाहता हूं, इस लक्ष्य पे आगे बढ़ना चाहता हूं। धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।